क्या आप जानते हैं कि इस विश्व में लगभग 200 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको सेफ ड्रिंकिंग वाटर मतलब स्वच्छ पीने का पानी उपलब्ध नहीं है। लगभग 12 लाख लोग हर साल असुरक्षित पीने के पानी से मर जाते हैं। डू यू नो दैट अबाउट 2 बिलियन पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड लैक एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर। अबाउट 1.2 मिलियन पीपल डाई ईच ईयर ड्यू टू ड्रिंकिंग अनसेफ वाटर। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अन्नपूर्णा से और आज हम बात करेंगे कि जल प्रदूषण हम इंसानों को कैसे प्रभावित करता है। टुडे विल डिस्कस हाउ वाटर पोल्यूशन अफेक्ट्स ह्यूमंस एंड डिस्कस इन डिटेल द वाटर बॉर्न डिजीजेस। लेट मी शेयर माय स्क्रीन, बट बिफोर दैट इफ यू आर न्यू टू माय चैनल प्लीज डू लाइक दिस वीडियो, शेयर अमंग योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच लेक्चर्स ऑफ एनवायरमेंटल साइंसेस एंड प्रिपरेशन ऑफ यूजीसी नेट एग्जाम्स एंड रेगुलर जॉब अपडेट्स रिलेटेड टू एनवायरमेंटल साइंसेस। How does water pollution impact humans? Let's look at this topic in detail. Number one is waterborne diseases. Number two, water wash diseases. Number three, water based diseases. And number four, water related diseases. तो चार प्रकार के बीमारियां हैं जो जल से उत्पन्न होती है। एक होता है वॉटर बोर्न डिजीजेस, फिर होता है वॉटर वॉश डिजीजेस, वॉटर बेस्ड डिजीजेस और वॉटर रिलेटेड डिजीजेस। अब ये कौन कौन से हैं और इनकी क्या खासियत है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो पहला, वॉटर बोर्न डिजीजेस, डिजीजेस कॉज्ड बाय इंजेशन ऑफ वाटर कंटेमिनेटेड बाय ह्यूमन और एनिमल एक्सक्रीमेंट व्हिच कंटेन पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो ये वो बीमारियां हैं जो असुरक्षित जल को पीने से होती हैं, कि जल में कंटेमिनेशन है, संक्रमण है, और जैसे कि ह्यूमन मल इंसानों के मलमूत्र से या जानवरों के मलमूत्र से जो रोगाणु और जीवाणु होते हैं वो इस जल में है और उसको हमने पी लिया तो हमें वॉटर बोर्न डिजीजेस होते हैं। जैसे यहाँ पे है, ये ग्राउंड वाटर कंटेमिनेट हो रहा है फीकल मैटर से और फिर यही ग्राउंड वाटर को हम कुएं से निकाल रहे हैं तो इसमें जाहिर है कि पैथोजेंस होंगे, तो इस पानी को पीने से हमें वाटर बॉर्न डिजीजेस होंगे। अब ये कौन कौन से होते हैं वाटर बॉर्न डिजीजेस? होता है कॉलरा, टाइफॉइड, अमीबिक एंड बैसिलरी डिसेंट्री एंड अदर डायरल डिजीजेस। डायरल डिजीजेस वो होते हैं जिससे डिहाइड्रेशन होता है, मतलब पानी की कमी शरीर में होती है, मोस्टली लूज मोशन से और कभी कभी वॉमिटिंग से। इस इनमें से जितनी बीमारियों के मैंने अभी आपको नाम बताया, इसमें हर बीमारी पर मैं एक शॉर्ट वीडियो अलग से बनाऊंगी। डायरल डिजीजेस ये किस किस प्रकार के होते हैं? गैडियासिस प्रोटोजोआ से होता है। प्रोटो का मतलब होता है प्रिमिटिव, पुरातन, और जोआ मतलब जानवर। तो ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स होते हैं जिससे ये गैडियासिस होता है। सो प्रोटो मीन्स प्रिमिटिव एंड जोआ मीन्स एनिमल्स। प्रिमिटिव एनिमल्स, दीज आर बेसिकली माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स which caused this disease called giardiasis. Then is cryptosporidiosis. This is caused by a bacteria. Campylobacteriosis, caused by bacteria again. Shigellosis, again a bacterial disease. And viral gastroenteritis, it's a viral disease. And cyclosporiasis is a parasite, is caused by a parasite, cyclospora. Campylobacteriosis, which is caused by a bacteria, is one of the most common diarrheal disease in the USA. तो ये सभी बीमारियां हैं जो कि अलग अलग जर्म्स से मतलब अलग अलग रोगाणुओं से होती हैं। गैडियासिस प्रोटोजोआ से, क्रिप्टोस्पोरिडियोसिस बैक्टीरिया से, कंपाइलोबैक्टीरियोसिस बैक्टीरिया से, श्रीजिलोसिस भी बैक्टीरिया से, और वायरल गैस्ट्रोएंटेराइटिस जो कि वायरस से होता है, और साइक्लोस्पोरियासिस जो पैरासाइट से होता है, उस पैरासाइट का नाम है साइक्लोस्पोरा। पैरासाइट्स आर ऑर्गेनिजम्स दैट लिव इन अनदर ऑर्गेनिजम्स बॉडी। तो ये पैरासाइट्स जो होते हैं वो हम पर हमारे शरीर के अंदर पलने वाले दूसरे जीव होते हैं। इट इन एडिशन वाटर बोर्न डिजीजेस कैन बी कॉज्ड बाय द पोल्यूशन ऑफ वाटर विद केमिकल्स दैट हैव एन एडवर्स इफेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या रोगाणुओं से, जीवाणुओं से तो वाटर बोर्न डिजीजेस होते हैं, पर कई बार जो केमिकल्स होते हैं वो पानी में घुले होते हैं और उनसे भी वाटर बोर्न डिजीजेस हो सकते हैं। वो कौन से केमिकल्स हैं देखते हैं। कॉमन केमिकल पोल्यूटेंट्स, आर्सेनिक, आर्सेनिक कॉजेस केराटोसिस एंड स्किन कैंसर। फ्लोराइड, इट कॉजेस डेंटल एंड स्केलेटल फ्लोरोसिस। नाइट्रेट्स फ्रॉम फर्टिलाइजर्स, इट कॉजेस ब्लू बेबी सिंड्रोम। कार्सिनोजेनिक पेस्टिसाइड्स, फॉर एग्जाम्पल डीडीटी, इट कॉजेस कैंसर। लेड फ्रॉम पाइप्स कॉजेस सीएनएस डिसऑर्डर्स। सीएनएस इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर्स। हैवी मेटल्स, एग्जाम्पल मर्करी, विच कॉजेस मिनामाटा डिजीज causing neurological symptoms, and cadmium which causes iti disease causing pneumonia and kidney dysfunction. Arsenic जो होता है उससे keratosis या skin cancer होता है। Keratosis एक primitive
स्टेज है स्किन डिजीज का, और बाद में जब वो बहुत ही बुरा हो जाता है, वर्स हो जाता है, तो वो स्किन कैंसर का रूप ले लेता है। फ्लोराइड से डेंटल या स्केलेटल फ्लोरोसिस होता है, जिसमें कि हड्डियों को नुकसान होता है और दांतों को नुकसान होता है, और दांतों का जो इनामल है वो डिग्रेड हो जाता है। नाइट्रेट्स जो कि हम खेती में फर्टिलाइजर्स में इस्तेमाल करते हैं, और वो जब बह के पानी के स्रोतों में मिल जाता है, और फिर उस पानी को जब बच्चे पीते हैं, तो उनको ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम में क्या होता है कि नाइट्रेट्स ब्लड में घुल जाते हैं और ब्लड की ऑक्सीजन कैरी कैपेसिटी कम हो जाती है, तो खून में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और बच्चों का शरीर नीला पड़ जाता है, तो वो होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम। इन ब्लू बेबी सिंड्रोम नाइट्रेट्स डिजोल्व इन द ब्लड ऑफ बेबीज एंड द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड इज रिड्यूस्ड एंड इवेंचुअली द स्किन टर्न्स ब्लू। दिस इज कॉल्ड ब्लू बेबी सिंड्रोम। कार्सिनोजेनिक पेस्टिसाइड्स कॉजेस डीडीटी, लाइक डीडीटी कॉजेस कैंसर। और लेड जो होता है वो पाइपलाइंस में होता है, और पाइपलाइंस में जब पानी गुजरता है तो लेड उस पानी में घुल जाता है, और फिर जब हम उस पानी को पीते हैं तो हमारे मस्तिष्क पर असर होता है। इसके अलावा हैवी मेटल जैसे मरकरी, मरकरी जब इंडस्ट्रियल पोल्यूशन की वजह से मरकरी डिस्चार्ज होता है वाटर सोर्सेज में, और मरकरी से कंटेमिनेटेड पानी पीने से मिनामाटा डिजीज होता है, उसमें न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स होते हैं, कन्वल्जन्स और मिर्गी जैसा आना और दिमाग एकदम सुन्न पड़ जाना, इस तरह की बीमारी होती है। इसके अलावा कैडमियम दूसरा हैवी मेटल है, उससे इटाई इटाई डिजीज होता है, जैसे निमोनिया के सिम्टम्स होते हैं और किडनी डिसफंक्शन होता है। इनमें से हर एक बीमारी पर भी मैं अलग से एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि बहुत डिटेल डिस्कस करना इस एक वीडियो में संभव नहीं है। ये होता है केराटोसिस, ये प्रिलिमिनरी कंडीशन है स्किन कैंसर का, और जब यही बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो फिर ये डिटेल स्किन कैंसर का रूप ले लेता है। ये है डेंटल फ्लोरोसिस, इसमें दांत का जो इनेमल है ये इफेक्ट हुआ है, डिग्रेड हुआ है, और फिर दांतों का ये हाल हो जाता है। सो दिस इज डेंटल फ्लोरोसिस, इनेमल ऑफ द टूथ इज डिग्रेडेड, एंड दिस इज केराटोसिस, दिस इज प्रिलिमिनरी फॉर्म ऑफ स्किन कैंसर। व्हेन केराटोसिस वर्सन्स इट कॉजेस स्किन, इट रिजल्ट्स इन स्किन कैंसर। ओके, दिस इज कॉज बाय आर्सेनिक पोल्यूशन, एंड दिस इज कॉल्ड बाय कॉज बाय फ्लोराइड पोल्यूशन। ओके, नेक्स्ट, वॉटर वॉश डिजीजेस, डिजीजेस कॉज बाय पुअर पर्सनल हाइजीन एंड स्किन एंड आई कॉन्टेक्ट विथ कंटेमिनेटेड वॉटर। सो इन दिस केस आपने गंदे पानी को पिया नहीं, पर आपकी आंखों या हाथों या स्किन से गंदा पानी टच हो गया, तो वाटर वॉश डिजीज। अगर उस गंदे पानी से अपने हाथ या आंखें धोई तो वाटर वॉश डिजीजेस होता है। तो उस पानी को आपने पिया नहीं पर आपके संपर्क में पानी आया, तब कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। फर्स्ट, स्कैबीज, इट्स एन इन्फेस्टेशन ऑफ द स्किन कॉज्ड बाय द ह्यूमन इच माइट। तो ये स्किन इन्फेस्टेशन है स्कैबीज, जिसमें कि ह्यूमन इच माइट होता है उस पानी में, और उससे अगर आप अफेक्ट हुए तो आपको स्कैबीज इन्फेक्शन होता है, ये स्किन इन्फेक्शन होता है। इसके अलावा ट्रकोमा, अ कंटेजियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ द आई इन विच देयर इज इन्फ्लेम्ड ग्रैनुलेशन ऑन द इनर सर्फेस ऑफ द लिड्स। और ट्रकोमा एक बीमारी है जो अगर बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड पानी है और आपने उससे आंखें धो ली, तो आंखों में वो के जो ये आईलिड्स होती हैं, जो पलकें होती हैं, उनके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाता है और फोड़े हो जाते हैं। इसके अलावा टाइफस फीवर्स आर अ ग्रुप ऑफ डिजीजेस कॉज्ड बाय बैक्टीरिया दैट आर स्प्रेड टू ह्यूमंस बाय फ्लीज लाइस एंड चिगर्स। फ्लीज लाइस एंड चिगर्स ये छोटे छोटे जीवाणु होते हैं, छोटे छोटे जीव होते हैं, तो टाइफस उस और उस वो जो बैक्टीरिया होता है वो उन जीवों के अंदर रहता है, और जब उस पानी से हमारा कॉन्टैक्ट होता है तो टाइफस फीवर होता है। अदर फ्ली लाइस एंड टिक बोन डिजीजेस, इसके अलावा दूसरे फ्ली लाइस और टिक बोन डिजीजेस हो सकते हैं हमें, जो वाटर वॉश डिजीजेस होते हैं। अब ये फ्ली लाई टिक्स और ये किस प्रकार के जीव होते हैं इसको मैं दिखाती हूँ। सो आई वांट टू शो यू व्हाट फ्ली लाइस एंड टिक्स आर। सो दिस इज अ फ्ली, इट्स इन हिंदी इट्स कॉल्ड अ पिस्सू, दिस इज अ लाइस, इन हिंदी इट्स कॉल्ड जुए, एंड दिस इज टिक्स, इट लुक्स लाइक अ बेड बग। सो दीज आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, समटाइम दीज आर स्मॉल ऑर्गेनिजम्स, एंड समटाइम टाइम्स माइक्रोब्स लिव्स इनसाइड द बॉडीज ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स, एंड व्हेन वी कम इन कॉन्टेक्ट विद वाटर हैविंग दीज ऑर्गेनिजम्स then we get infected and we get water wash diseases। okay, तो कभी कभी जो microbes होते हैं वो इन इन छोटे छोटे जीवों के शरीर के अंदर रहते हैं, और ऐसे ऐसा पानी जिसमें ये जीव हैं और इन जीवों के शरीर के अंदर वो microbes हैं, जब हम उस पानी से contact में आते हैं तो हमें भी वो water wash diseases, वो बीमारियां लग जाती हैं। ठीक है, अब है वाटर बेस्ड डिजीजेस, डिजीजेस कॉज्ड बाय पैरासाइट्स फाउंड इन इंटरमीडिएट ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन कंटेमिनेटेड वाटर। तो ये वाटर बेस्ड डिजीजेस होती हैं, ये वो बीमारियां होती हैं जो कि पैरासाइट से होती हैं, जो कि पानी में रहने वाला कोई जीव है, उस जीव के शरीर के अंदर पलने वाला वो पैरासाइट है,
और जब हम उस पानी से कांटेक्ट में आए तो हमें वो बीमारी लग जाती है, जैसे कि सिस्टोजोमियासिस, ऑल्सो नोन एज स्नेल फीवर, और बिलहार्जिया एंड कटायामा फीवर इज अ डिजीज कॉज्ड बाय पैरासिटिक फ्लैट वर्म्स कॉल्ड सिस्टोजोम्स। द यूरिनरी ट्रैक्ट और द इंटेस्टाइन्स मे बी अफेक्टेड। पैरासाइट्स आर रिलीज बाय इन्फेक्टेड फ्रेश वाटर स्नेल्स। सो स्नेल्स लिव इन फ्रेश वाटर, राइट? एंड वेन द स्नेल्स बॉडी हैज दीज पैरासिटिक फ्लैट वर्म्स कॉल्ड सिस्टोजोम्स एंड दे रिलीज द स्नेल्स रिलीज दीज पैरासाइट्स इन देयर टूल्स इन देयर स्टूल्स एक्सेट्रा एंड देन वी कम इन कॉन्टैक्ट विद दैट डर्टी वाटर, वी गेट सिस्टोजोमियासिस। तो क्या होता है, घोंघों में ये बीमारी होती है। तो घोंघों के अंदर फ्लैट वर्म्स रहते हैं जिनको कहते हैं सिस्टोजोम्स, और जब ये फ्लैट वर्म्स घोंघों में के पेशाब या मलमूत्र से जब वो पानी में जाता है और फिर हम उस पानी से के कांटेक्ट में आते हैं, तो उसमें पहले से ही सिस्टोजोम्स हैं, और उस पानी को अगर हमने पी लिया तो वो सिस्टोजोम्स हमारे शरीर में चले गए, और फिर उससे हमारा जो यूरिनरी ट्रैक्ट है या जो हमारी अथड़िया है वो इन्फेक्टेड हो जाती है। इसके अलावा ड्रैकुनक्यूलियासिस, ये एक अलग बीमारी है। ड्रैकुनक्यूलियासिस ऑल्सो कॉल्ड गिनिया वर्म डिजीज इज अ पैरासिटिक इन्फेक्शन बाय द गिनिया वर्म ड्रैकुनक्यूलस मेरिनेंसिस। अ पर्सन बिकम्स इन्फेक्टेड बाय ड्रिंकिंग वाटर कंटेनिंग वाटर फ्लीज इन्फेक्टेड विथ गिनिया वर्म लार्वे। द वर्म्स पेनिट्रेट द डाइजेस्टिव ट्रैक एंड एस्केप इनटू द बॉडी। तो ये क्या बीमारी होती है कि जो फ्लीज होते हैं, जो अभी मैंने आपको फोटो दिखाया, पिस्सू जो होते हैं, उनके अंदर ये गीनिया वर्म होता है, और जब हम वो पानी पीते हैं तो वो गीनिया वर्म हमारे शरीर में आ जाता है और फिर वो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक में घूमता है और फिर हमारे शरीर में अलग अलग भागों में पहुंच जाता है। तो ये बीमारी होती है ड्रैकुनक्यूलियासिस, जो कि गीनिया वर्म डिजीज। तो ये अलग, ये बेसिकली ये पैरासाइट ही होता है जो कभी फ्लीज में कभी इंसानों के शरीर में पलता रहता है। वॉटर रिलेटेड डिजीजेस ये क्या होते हैं? सो वॉटर रिलेटेड डिजीजेस आर कॉज बाय इंसेक्ट वेक्टर्स स्पेशली मस्कीटोज दैट ब्रीड और फीड नियर कंटेमिनेटेड वाटर। सो वॉटर रिलेटेड डिजीजेस आर नॉट कॉज वेन वी कम इन कॉन्टेक्ट विथ वॉटर, बट दीज आर कॉज वेन वी हैव समवेयर इन आर बैकयार्ड और इन आर नेबरहुड स्टैगनेंट वाटर, एंड फ्लाइज एंड मस्कीटोज ब्रीड इन दैट स्टैगनेंट वाटर एंड देन दीज फ्लाइज एंड मस्कीटोज दे बाइट अस एंड दे ट्रांसफर द डिजीज टू अस। तो इसमें क्या होता है कि हम पानी के कॉन्टेक्ट में नहीं आए, लेकिन हमारे घर में, घर के आसपास या मोहल्ले में कहीं जमा हुआ पानी है, उसमें मक्खी मच्छर पल रहे हैं, और जब वो मक्खी मच्छर हमें काटते हैं तो हमें बीमारी लग जाती है। दीज आर नॉट टिपिकली एसोसिएटेड विद लैक ऑफ एक्सेस टू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन सर्विसेज। तो ये स्वच्छ पानी की कमी का से नहीं होता है, ये गंदा पानी कहीं जमा हुआ है और उसमें मक्खी मच्छर पल रहे हैं और उससे हमें होता है। और ये कौन सी बीमारियां होती हैं? दीज इंक्लूड डेंगू, फिलेरियासिस, मलेरिया, ऑनकोसर्सियासिस, ट्रिपैनोजोमियासिस एंड येलो फीवर। एंड आई विल मेक अ सेपरेट शॉर्ट वीडियो ऑन ईच ऑफ दीज डिजीजेस। वाटर रिलेटेड डिजीजेस में आज इतना ही। मिलती हूँ मैं आपसे एक और वीडियो में, और तब तक देखते रहिए मेरे चैनल को। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।